राजस्थान में कोरोना वायरस ने अपने पैर पसार लिए हैं। प्रदेश में 51 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस अभी तक सामने आ गए हैं। राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो 15, बांसवाड़ा में 15 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बीकानेर और जोधपुर में 8-8 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चूरू, जैसलमेर और सीकर में 1-1 नए मामले सामने आए। हनुमानगढ़ से कोरोना के पहली बार 2 मामले एक साथ सामने आए। राजस्थान में कोरोना से अब तक 10 लोगों की मौत भी हो गई है। प्रदेश के 25 जिलों में कोरोना का दायरा फिलहाल फैल चुका है। प्रदेश में कोरोना के सबसे अधिक मामले राजधानी जयपुर से आए। जयपुर में अभी तक 316 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ गए हैं। इसी के साथ राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 751, टोंक में 47, जोधपुर में 51, बांसवाड़ा में 52, कोटा में 33, भीलवाड़ा में 28, झुंझुनू में 31, बीकानेर में 34, जैसलमेर जिले में 29, झालावाड़ में 14, चूरू जिले में 12, अलवर में 7, अजमेर और डूंगरपुर में 5, दौसा में 8, उदयपुर में 4, करौली में 3 संदिग्ध, भरतपुर में 9 और पाली और प्रतापगढ़ में 2-2 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। सीकर जिले में कोरोना के अब तक 2 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं धौलपुर, नागौर और बाड़मेर की अगर बात की जाए तो 1-1 कोरोना पॉजिटिव आज सामने आया। ईरान से लाए गए 50 भारतीय और इटली के 2 नागरिक भी इन पॉजिटिव में शामिल हैं। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना से पीड़ित 116 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हो गए हैं। ये हल्की राहत की बात यहाँ पर है। 58 मरीजों को यहाँ पर अभी तक अस्पतालों से डिस्चार्ज किया जा चुका है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए न्यूज रूम से सीधा लाइव जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी लोकेश ओला। लोकेश, जो चुनौतियों का दायरा है वो पूरे विश्व की तरह भारत में पहले बढ़ा और धीरे धीरे प्रदेश में भी अब अपने पैर पसारता जा रहा है। लगातार यहां पर संदिग्ध और पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो रही है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, कोरोना संक्रमण को लेकर चुनौती लगातार प्रदेश के सामने, प्रदेश सरकार के सामने बढ़ती जा रही है। और अब ये कोरोना का जो दायरा प्रदेश के 25 जिलों में पहुंच चुका है। हनुमानगढ़ में जहां अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव सामने नहीं था, और वहां पर आज 2 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। और ऐसे में अब प्रदेश में कुल 751 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, जिसमें जो अधिकतर बात करें तो जयपुर में सबसे अधिक कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए, यानी कि 326 जो कोरोना पॉजिटिव है वो जयपुर में सामने आए हैं। जयपुर में आज 15 कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद में और चिंताएं बढ़ती जा रही है। उसी तरह बात करें तो जो संदिग्ध मरीजों की संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि कुछ जो राहत की बात है तो ये है कि 116 कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन जो मृतकों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज एक और जेकुलन अस्पताल में जो 13 साल की बच्ची की मौत है, इनकी हालांकि मौत तो कल हो चुकी थी लेकिन आज उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। ऐसे में चिंता की फिर इनकी जो लकीरें हैं वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव की मौत होना, यानी कि एक बच्ची की मौत होना, वो सबसे बड़ी चिंता है। क्योंकि अब तक प्रदेश में जितने भी कोरोना से मृत्यु हुई वो केवल बुजुर्गों की हुई थी, और पहली बार एक बच्चे की मौत होना एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। प्रदेश में जिस तरह से लगातार कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है, हालांकि चिकित्सा विभाग और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस चीज़ को लेकर अधिकारियों से निर्देशित कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं ताकि इस कोरोना के संक्रमण को रोका जाए, और तमाम दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी तरह जो सैंपलिंग व्यवस्था है वो तेजी से शुरू कर दी गई, क्योंकि वही एकमात्र जरिया है जो कोरोना संक्रमित मरीजों का पता लगाना, और उसमें कहीं ना कहीं कामयाब भी होता नजर आ रहा है। जिस तरह से पिछले 4 दिनों की बात करें तो 4 दिनों में ही जयपुर में करीब 200 के करीब जो कोरोना पॉजिटिव है वो सामने है, और ये सामने आए डोर टू डोर सैंपल लेने के दौरान। क्योंकि जिस तरह से सरकार ने डोर टू डोर सैंपल कलेक्शन किया कि जो निर्देश दिए गए, जयपुर में भीलवाड़ा मॉडल लागू नहीं करके वहाँ पर जनसंख्या आधारित जो नया मॉडल लेके आए हैं, जिसमें डोर टू डोर सैंपल व्यवस्था जो कलेक्शन है वो बढ़ाया गया है, जिसके लिए अलग टीम में बनाकर जयपुर में घर से घर जाकर जो सर्वे टीम में सर्वे कर रही है और वहां पर सैंपल उठा रही है, और उसी में ये जो कोरोना पॉजिटिव संख्या है वो बढ़कर सामने आ रही है। और ये जो चिंता की बात भी कही जा सकती है, और कहीं ना कहीं जो संक्रमित लोग हैं उनका पता भी लगाया जा रहा है कि कौन कौन संक्रमित है और किन किन को आइसोलेट किया जाए ताकि कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ाया जो बढ़ता दायरा उसको रोका जाए। इन सब चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं, जिला प्रशासन को निर्देशित कर रहे हैं कि किस तरह से अब कोरोना संक्रमण को रोका जाए। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद लोकेश। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।